हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रसोई वाली। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत 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 ही अच्छी हूँ। तो आज हम बनाएंगे सोयाबीन का सब्जी, मसालेदार ग्रेवी रहेगा उसमें। ओ माय गॉड, मुझे तो सोयाबीन बहुत ही पसंद है। किस किस को पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, बस मैंने सिंपल ही बनाया, ज़्यादा कुछ नहीं डाला इसमें। मैंने घर का ही मसाला डाला है, बाहर का मसाला थोड़ा सा भी मैंने नहीं डाला इसमें। ठीक है, तो सिंपल सा ही बनाया लेकिन आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए उसके लिए वीडियो देखना पड़ेगा। रेडी? तो ये मैंने कढ़ाई लिया, तेल डाल लिया, गरम कर लिया, फिर मैंने आलू डाला। आलू मैंने बॉईल करके बनाया है। तो ये मैंने सोयाबीन भी इसमें डाल दिया है। इसको अच्छे से हम लोग चलाते रहेंगे। चलाते सोयाबीन मैंने क्या किया था, गर्म पानी हल्का किया था, फिर उसमें सोयाबीन डाल लिया था। इसको अच्छे से फूल जाता, थोड़ा आधा घंटा के लिए डाल दिया था मैंने। तो इसको दोनों मिक्स करके हम लोग फ्राई करेंगे धीमी आँच में। तो फ्राई हो चुका। फिर मैंने डाला है दालचीनी, 2 लवंग, 2 इलायची है। तो ये मैंने डाला पंचफोड़न, इसको हल्के धीमी आँच में आपको ब्राउन करना है। फिर मैंने डाला प्याज और लहसुन कट कर लिया था। तो इसको चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे। याद रखना तेज़ आँच में नहीं करना है, धीमी आँच में करना है आपको। चलाते रहेंगे, देखिए ब्राउन हो चुका है। तो मैंने डाला 2 कट करके टमाटर। टमाटर अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो 3-4 डालिए, मैंने सिर्फ 2 ही डाला है स्वाद अनुसार। तो इसको चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे। इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, मैंने जीरा पाउडर पहले ही डाल दिया है। फिर ये है धनिया पाउडर और ये है गरम मसाला, क्योंकि गरम मसाला के बिना सब कुछ अधूरा होता है। तो गरम मसाला डालते ही बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनता है। तो इसको चला लेंगे अच्छे से, थोड़ा पानी डाल लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे पानी थोड़ा सा। तो धीमी आंच में इसको पकाएंगे, जब तक मसाला पक ना जाए तब तक आपको सब्ज़ी नहीं डालना इसमें। तो मेरा मसाला हो गया पक के रेडी। तो इसमें डालेंगे सोयाबीन और आलू जो मैंने फ्राई किया था। इसको अच्छे से चला लेंगे चला लेंगे चला लेंगे चला लेंगे। मुझे तो सोयाबीन बहुत ही पसंद है, बहुत बहुत बहुत। तो इसको अच्छे से चला लेंगे। तो ये हो गया है मसाला रेडी, पक गया पर अच्छे से। फिर अपने अनुसार पानी डालिए। आपको ग्रेवी चाहिए, सूखा चाहिए या लटपटार चाहिए? तो मुझे तो ग्रेवी चाहिए था क्योंकि मुझे चावल के साथ खाना था। तो थोड़ा ज़्यादा ही मैंने ग्रेवी डाला इसमें। इसको अच्छे से पका लीजिए नमक डाल के। तो ये देखिए हो गया रेडी, सोयाबीन का सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बना है। तो देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है, कितना अच्छा लग रहा है। तो अगर मेरा चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मैं जो भी डालूँ वीडियो